कलाकार बनना चाहिए, मतलब अच्छा कार से हम यही चाहते हैं कि जो हमने कागज लगाया था जिसकी आशा में लॉकडाउन भी लगी थी कि फिलहाल मेरा पैसा आ जाएगा। नहीं, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो तो बहुत बढ़िया करते हैं, और उन्हीं के आधार पर योगी जी भी बढ़िया काम करते हैं। सही है, बचा हुआ है यहाँ गुजरात के मोदी आ गए, इनको गोद में लेके आ रहे हैं, हम लोग जनता ला रही है, बेच खा रहे हैं योगी लोग। सरकार है वही चलेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे और आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं इस समय हूं चिनहट में, लखनऊ का ये इलाका है जहां पर आज हमारे साथ कुछ युवा हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या है उनके दिल में, क्या चाहते हैं। युवा मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव रह चुके हैं यहां पर और अब इस समय चुनाव में हैं। युवाओं से जानते हैं क्या उन्हें वाकई में रोजगार की व्यवस्था की गई, शिक्षा की क्या व्यवस्था रही, कानून व्यवस्था की बातें तमाम होती रही हैं। चिनहट के इस लौलई इलाके में हम हैं जहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं, इनसे जानते हैं कि उम्मीदें पूरी हो पाई हैं। तो सबसे पहले इनसे जानते हैं इनका नाम क्या है, क्या नाम आपका? हमारा नाम किशन अवस्थी है, बस हम लखनऊ से बिलोंग कर रहे हैं, 2019 से यहाँ रह रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, जो सरकार जिसने काम किया है वो काम पूरा हुआ है कि जो बातें हो रही हैं केवल वो कागजों पे हैं? जैसे मान लीजिए ये नहीं है, जैसे मान लीजिए लॉकडाउन का माहौल था, कोरोना आया, तो उसमें मतलब कुछ काम हुए, बाकी मतलब कुछ बाकी रह गए, कागजी में रह गए, बाकी मतलब हमें लगता है कि जैसे मान लीजिए योगी सरकार अगर रहेगी तो मतलब देश का विकास होगा। बाकी इसके पहले मतलब जैसे अखिलेश की सरकार थी तो मतलब रोजगार मिला, लेकिन उनके में मतलब कोई प्राकृतिक कोई घटना नहीं थी, जबकि मतलब जब योगी की सरकार आई 2017 में तब से मतलब कोरोना का मतलब ज़्यादा कहर रहा, तो इसके कारण मतलब काम नहीं हो पाया। सही, आप मानते हैं योगी जी ने अच्छा काम किया है? जी, हम तो यही मानते हैं कि योगी की सरकार बनना चाहिए, मतलब अच्छा ही है। क्यों क्यों लगता है आपको होना चाहिए, जब दो तीन चीज़ें बताइए जो आपको लगता है योगी को ही वापस आना चाहिए? इसलिए हम चाह रहे हैं क्योंकि योगी की सरकार में हम ये सोच देख रहे हैं कि मतलब बहुत शांति का माहौल है, मतलब कहीं छीना छोड़ी नहीं है, जो काम हो रहा है बिल्कुल शांति के साथ हो रहा है, कानून व्यवस्था आप कह रहे हैं बढ़िया है। जी जी जी। तो जो एक रोजगार बेरोजगारी का मुद्दा यूपी में लगातार रहा है उस पर क्या कहना है आपका? जैसे मान लीजिए रोजगार इतनी बड़ी, जैसे इतने मतलब करोड़ों संख्या है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तो मतलब एकदम से किसी का विकास नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए हमारी ये तो अभी मतलब वही 2019-20 चल रहा है, तो इसमें जैसे मान लीजिए हमारा जो व्यापार है या रोजगार है, हम खुद अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपना प्राइवेट काम कर रहे हैं। और एक साथी हैं, इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। सरकारों को आपने बहुत देखा, मायावती को देखा, अखिलेश यादव को देखा, योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, क्या चाहते हैं सरकार से? क्योंकि ये आखिरी दौर है, इसके बाद सरकार बदल जाएगी, सरकार रिपीट कर जाएगी, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा बोलने का, 5 साल तक नहीं मिलेगा। क्या चाहते हैं सरकार से आप? सरकार से हम यही चाहते हैं कि जो हमने कागज लगाया था जिसकी आशा में लॉकडाउन भी लगी थी कि फिलहाल मेरा पैसा आ जाएगा। कौन सा कागज? पीएम किसान निधि योजना वाला, 2000 रुपया। जी, वो मेरा पैसा आज तक भी नहीं आया। मैं भी कृषि भवन भी गया और कचहरी भी गए, ब्लॉक भी गए, लेकिन वहाँ पे कोई मतलब नहीं हुआ। कृषि विभाग में लगाया गया कागज, लेकिन फिर भी मेरा पैसा फिर नहीं आया। 1 तारीख को आना था लेकिन वो भी नहीं आया। तो क्या उम्मीद है, अभी तो कल पैसा दिया है मोदी जी ने किसानों को, मुझको नहीं आया है। आपको पैसा नहीं मिला है? नहीं मिला। सरकार कह रही है कि सभी किसानों को मिला है जिनको जरूरत थी। कुछ और साथी हैं, आपसे भी जानते हैं, क्या लगता है आपको कि जो सरकार काम कर रही है वो वाकई में अच्छा कर रही है, या जो इससे पहले सरकारें रही हैं वो बेहतर थी? वैसे ये बेहतर है क्योंकि हर चीज़ का हिसाब देखती है और पीछे वालों को भी देख के चल रही है, और जितना ये कर रही है उतनी कोई सरकार नहीं। पीछे वाले कौन मतलब? मतलब जो छोटे नीचे पड़े हैं तो उनको भी नीचे ऊपर उठा ले, जो बेचारे जो पड़े हैं भूखे को रोटी दे रही है, और क्या चाहिए इंसान को? रोटी बड़ा मुद्दा है कि रोजगार नहीं बन पाया, कहा जा रहा है यूपी में बेरोजगारी का मुद्दा है, जातिगत समीकरण, बहुत सारी बातें होती हैं। पूरा हिसाब कर रही है सरकार, ये सरकार पूरा कर रही है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार नाम है, और फिर भी इन्होंने बहुत हेल्प की, इतनी कोई सरकार नहीं करती मेरे भाई। पहले कभी करती थी इंदिरा गांधी जब समय था, उस टाइम पर होता था, वही अलग हिसाब किताब। ये मोदी जी अच्छा कर रहे हैं कि योगी जी? नहीं, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो तो बहुत बढ़िया करते हैं, और उन्हीं के आधार पर योगी जी भी बढ़िया काम करते हैं। संतुष्ट हैं आप? हाँ जी, 100% बिल्कुल राइट, एकदम। और कुछ लोग हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आइए जरा, क्यों शर्मा रहे हैं? तो इनसे बात करते हैं,
क्या है सरकार के बारे में, क्या राय है आपकी? सर सरकार तो सही है, अपना काम कर रही है, अच्छा कर रही है। क्या अच्छा कर रही है, क्या मिला आपको? हमें तो कुछ नहीं मिला है, फिर भी अच्छा कर रही है। बीजेपी बेस्ट है? बेस्ट है, बढ़िया है। और जो जो और सरकारें रही हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं, वो अच्छी थी कि अच्छी है? नहीं, ये अच्छी है। दो सवाल आपसे मैं करूंगा, छोटा सवाल करूंगा कि जो आपको अच्छा लग रहा है उसके पीछे बड़ी वजह क्या है, क्या मिला आपको जो बहुत अच्छा लग रहा है? हमें इसमें ये अच्छा लग रहा है कि इसमें अच्छा है कि शांति है, कानून व्यवस्था आप बेहतर मान रहे हैं, आराम से घूम ले रहे हैं। चलिए तो एक और साथी हैं, इनसे भी जानते हैं क्या आपका नाम क्या है? शंकर। क्या चाह जो सरकार जो काम कर रही है यहाँ पर, क्योंकि ये चुनाव खत्म हो जाएगा तो इसके बाद फिर आपको 5 साल का वेट करना पड़ता है, अभी क्या लग रहा है आपको कि जो सरकार काम कर रही है वो आपके अनुकूल है, या कुछ संदेश है सरकार के लिए भाई ये बदलाव होना चाहिए, बिना इस बदलाव सरकार नहीं वापस आनी चाहिए? संदेश ये है कि लॉकडाउन लगा, ठीक है, बोला योगी ने, बोला मोदी ने, बोला 3 साल की 3 महीने की फीस माफ होगी बच्चों की, स्कूलों में माफ नहीं होगी, किसमें सब जा रहे हैं, किसान यहाँ दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, राशन यहाँ फ्री दे रहे हैं, ठीक है, राशन फ्री दे रहे हैं तो ना ही राशन का निकाल दे रहे हैं, चावल 12 रुपये किलो है, गेहूँ 18 रुपये किलो है, तो भी निकालें किसानों का, हमारी सरकार हमको चाहिए योगी अखिलेश। आप कह रहे हैं कि इस मामले के लिए बेहतर है अखिलेश? एक चीज़ बताइए अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटा था, योगी जी ने टैबलेट और स्मार्टफोन दिया है, कैसे देख रहे हैं दोनों चीज़ों को आप? अब इलेक्शन आ गया, ठीक है, योगी का अब लैपटॉप बोल रहे हैं बांटूंगा, पैसे दे रहे हैं, ये बंदों क्या वोट लेने के लिए सबको दे रहे हैं, वोट लेने के लिए, वोट ले लेंगे भूल जाएंगे 5 साल, ये सब बेच खा रहे हैं मोदी योगी 5 साल के लिए भूल जाएंगे। हाँ। तो 5 साल नहीं भूल पाए, इसके लिए क्या प्लान है आपके पास, वोट कहाँ जा रहा है आप? काम करो, क्या अच्छा काम करो तभी बंदा क्योंकि जनता यहाँ बुलाएगी भाई, सारा यहाँ बेच खा रहे हैं, पूरा जो भी बचा हुआ है यहाँ, गुजरात के मोदी आ गए, इनको गोद में लेके आ रहे हैं, हम लोग सब जनता ला रही है, सब बेच खा रहे हैं योगी लोग। गुजरात की बात कर रहे हैं आप, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके दौरे खूब हो रहे हैं, उनको किस तरीके से देख पा रहे हैं आप? जनता ने बनाया है उनको, क्या करें हम, जनता ने बनाया है, अगली बार लेकिन नहीं बनेंगे अभी, योगी और मोदी दोनों से नाराज हैं, दोनों हम नाराज हैं। क्या लगता है आपको कि बोलना चाहिए? सरकार है वही चलेगी, जो है वही चले, क्या नाम है आपका? रामचंद्र। सरकार है वही चलेगी, वही रहेगी। लोकल कहा जा रहा है विधायकों से बड़ी नाराजगी लोगों को, दिखावा है सब, यही सरकार रहेगी, यही रहेगी, लौटेगी आराम से, आराम से 17 में लौटाए थे आप ही लोग, लौटेगी। कोई ऐसा मुद्दा बताइए जो आपको वाकई में लगता है कि यही सरकार कर सकती है, बाकी लोग नहीं कर सकते हैं? गरीबों के लिए बहुत कुछ किया, याद क्षेत्र में बहुत किया, बहुत किया दिया, क्या किया है आपके लिए, क्या किया है? अरे हमारे लिए भी किया सब कुछ, गाँव में घर दिया, राशन मिल रहा है दबा के, राशन मिला है, राशन मिला है, राशन राशन मिलता है, 2 किलो कितना? 2 किलो नहीं, 1-5 किलो मिलता है। तो रामचंद्र जी का कहना है कि सरकार यही लौटेगी, लौटेगी किसकी सरकार, देखते रहिए लगातार पोल टॉक, लगातार यूपी चुनाव से संबंधित जो मुद्दे हैं, जो बातें हैं वो हम यहाँ पर उठाते रहेंगे। इस चुनाव के बाद 5 साल आपको करना पड़ता है इंतजार, अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।